पहली बात तो ये है, देखिए पाकिस्तान की बदकिस्मती है, पूरी दुनिया में होता है, इंडिया में भी है। जय शाह साहब सेक्रेटरी है, लेकिन सदर एक फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर है। इसी तरह बाकी मुल्कों में देखे, किसी को नाम भी नहीं पता, ना आपको पता होंगे ना मुझे पता होंगे कि ऑस्ट्रेलिया में कौन है, इंग्लैंड में कौन है। ये सिर्फ माशाल्लाह पाकिस्तान है जिसमें चीफ सिलेक्टर का नाम पता होगा, सिलेक्टर्स का नाम पता होगा, जिसमें चेयरमैन का नाम तो इस तरह सुबह दोपहर शाम खाने में नहीं आती होंगी मेन्यू में चीजें जितना चेयरमैन है। देखिए पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट जब होती है, क्रिकेटिंग इलिटरेट्स जब आते हैं, उन्हें मीडिया हाइप चाहिए। जब ये 2012-13 में था, ऑब्वियसली ये एजाज भट्ट साहब, अल्लाह उनकी मगफरत करे, उन्होंने भी, इंग्लैंड ने हमें अपने ग्राउंड दिए इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद, उन्होंने इंग्लैंड के साथ ही मत्था लगा लिया। खैर फिर ये मसूब आए, लेकिन उस वक्त इनको इतनी मौका नहीं मिला अपने जलवे टीवी पे दिखाने का। फिर इन्होंने दो शो अपने बनाए जो बजायर इनके दोस्त थे, लेकिन पिछले 10 साल में कभी इनके काम नहीं आए। फिर उन दोस्तों ने इन्हें मशवरा दिया, मसला ये है रोहित कि ये हर बंदा, जो बंदा बोलता है उसे बोर्ड में जॉब दे देता है। ये ऐसे लगता है कोई स्टेट कॉरपोरेशन है जिसमें जो आपके खिलाफ बोलेगा उसे जॉब दे दो, उसका मुंह बंद कर। बाबर आजम जब 2020 में जिस दिन अनाउंस हुआ था, द डे ही वाज मेड कैप्टन, आप शो उठाए हमारा रिजवान अदर चैनल का, मैंने उसी वक्त कहा था ही इज नॉट कैप्टनसी मटेरियल, आप इसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं, इसकी बैटिंग खत्म हो जाएगी। ही इज अ सेल्फ, देखे वो है वो स्टैट्स के लिए, रिकॉर्ड के लिए, ये मैं नहीं, ये उसका, उसकी आईसीसी की, देखे व्हाट इज आईसीसी रैंकिंग, आईसीसी रैंकिंग है सूर्य कुमार यादव T20 में नंबर वन, ये सिराज नंबर वन बॉलर नजर आता है, नजर आता है कि भाईजान है यार। अपने पर्सनल 50 बनाने के लिए आप मुझे बताएं, आईसीसी की रैंकिंग तो है, पाकिस्तान की टीम कहां खड़ी है? ये हादसाती तौर पे नंबर वन बन जाना कोई कमाल नहीं। ये जो दोस्तियां पाल रहा था 3 साल से, अपने आस्तीन में सांप नेवले मगरमच्छ बिच्छू पाल रहा था दोस्ती के नाम पे। कौन है ये खिलाड़ी जिनको लेकर के ये बार बार कहा जाता है? शोएब मलिक के मुंह से भी मैंने सुना था, जब 2021 की मेरे ख्याल से बात है, जब आप T20 वर्ल्ड कप हार गए थे, सेमीफाइनल का मैं बात कर रहा हूँ। ये कौन 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 दोस्त हैं ये जो सबको पता है लेकिन फिर भी सबसे छुपे हुए हैं? इमामुल हक टॉप ऑफ द लिस्ट है। इमामुल हक जो है वो इसके घर भी आना जाना बड़ा क्लोज है। इमामुल हक इस टीम में सबसे बड़ा साक्षी है क्योंकि वो इंजमामुल हक का भतीजा है, और इंजमामुल हक जो है वो 25 लाख रुपए लेके 3-4 साल का कॉन्ट्रैक्ट लेके 1.5-2 करोड़ अगर उसे पीसीबी निकालेगा लेके, फिर देखे इट इज वेरी इजी इन पाकिस्तान के आप दीन का सहारा लें, मतलब है रिलीजियस कार्ड प्ले करें। यहाँ पे तो फिर किसी की औकात ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है कि एक लफ्ज बोले। बदकिस्मती है कि अपने बेटे को उसने अभी, जिसने कभी बल्ला नहीं पकड़ा, उसको पाकिस्तान का प्रीमियर कायदे आजम ट्रॉफी खिला दिया। इस मुल्क में देखे मैं कब से ने बता रहा हूँ कौन कौन से फिक्सर्स हैं, कहां से ऑपरेट होता है, इनका एक दफा काउंट चेक कर ले। नहीं, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये है कि जनाब हर प्लेयर जो है वो ब्लैकमेल करता है। अब बात किया रोहित, बीसीसीआई अगर 1000 अरब करोड़ का है तो ब्रांड वैल्यू तो प्लेयर है ना यार, जैसा तो नहीं है ना, या रॉजर बिनी तो नहीं है, नहीं। ब्रांड वैल्यू तो आपके प्लेयर है, चाहे वो रोहित है चाहे विराट है, ABCD है, तो प्लेयर बिकता है, आपकी टीम टॉप पे है तो तभी आपकी ब्रांड वैल्यू है। जब आप क्वालिफाइंग राउंड खेलेंगे या आप उस नहज पे पहुंचेंगे, देखिए पाकिस्तान में सारी स्पोर्ट जो है रिटायर्ड लोग हेड कर रहे हैं, 39 एफिलिएटेड फेडरेशन है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ, उसमें 36 वो लोग हैं जिनका उन स्पोर्ट्स से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान स्क्वैश इज रन बाय कौन, फलाना रन बाय कौन, हॉकी रन बाय कौन, टेनिस रन बाय कौन। अभी पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का जो सदर है 23 साल से, आप देखिए हमारे इबरतनाक एशियन गेम में रिजल्ट आए हैं, 400 बंदा जो मुल्क कर्जे ले लेके चल रहा हो, जहां कैंप भी ना लगते हो, 400 बंदा गया, मेडल आए 3 मेडल्स। तो भाईजान ये पूरा हवा का हवा बिगड़ा, इंटरकनेक्टेड है, एक क्रिकेट है उसमें।